नमस्कार। आज हवन सामग्री के बारे में ये ऑडियो बन रहा है। वैसे तो जंत्रियों में हमारे महान बाबू ने पहले ही प्रिंट करके छोड़ा हुआ है, तब भी इसको उस चीज़ को मद्देनज़र रखकर ये मैंने आज पहली बार ये बनाया हुआ है, क्योंकि मुझे इसके साथ लगन है। पांच आकारों में क्या क्या चीज़ होना चाहिए, ये कैसे होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या सामग्री होनी चाहिए। डून यथवा वालनट मिनिमम 4 kg, जावदाना 15 kg, राइस 10 kg, शक्कर 7 kg, नीलोफर कमल डोडा 1.5 kg, खजूर 1.5 kg, नारजील गोलागिरी 2 kg, खोबानी 0.5 kg, बादाम साबुत 1 kg, सौंकी सब्ज 0.5 kg, काला तिल 2 kg, गूगल धूप 0.5 kg, मस्टर्ड ऑयल 2.5 g, कॉटन स्मॉल रोल, बादाम गिरी 100 g, नाबद क्रिस्टल 4 kg, काजू साबुत 0.5 g, आरी सर्वशक्ति 6 नंबर, कंद 25 नंबर, देसी घी 7 लीटर, कपूर 2 पैकेट, धूप 3 पैकेट, सिंदूर 50 g, मावली 250 g, सब्ज इलायची 0.5 g, काला मिर्च 0.5 g, लौंग 20 g, दालचीनी साबुत 50 g, चंदन पाउडर रेड 1 पैकेट, चंदन पाउडर वाइट 1 पैकेट, शाह गुलाई 20 रुपये की, दतूरे का बीज 20 रुपये का, लट मरच 20 रुपये का, फायरवुड 2.5 क्विंटल तक, वस्त्र पर कलश लेडीज सूट, वस्त्र पर ब्राह्मण कुर्ता पैजामा, वस्त्र पर पार्थिजर अगर करना हो 1.5 मीटर, सफ़ेद होना चाहिए, पारा मरकरी जिसको बोलते हैं 10 g, केसर 1 g, पार्थिजर मिट्टी एज रिक्वायर्ड, गंगा जल एज रिक्वायर्ड, कौडंग 1 kg, लाइम 1 kg, कलर ऑफ डिफरेंट वराइटीज, होली वाले जो होली में खेलने वाले होते हैं 250 g ईच कलर का, नमक 3 पैकेट, चावल का आटा 1 kg, मैच बॉक्स होम लाइट 1, दीप अर्जुन मीडियम 1 नंबर, टाकू अर्जुन 5 नंबर, फ्रूट में क्या होना चाहिए, अनार ग्रेप्स बनाना 1 kg ईच, बनाना होना चाहिए 3 डज़न, खीरा होना चाहिए 0.5 kg, नींबू होना चाहिए 250 g, फ्रेश फ्लावर होना चाहिए 7 kg, माला होना चाहिए एज रिक्वायर्ड, क्योंकि मटन में भी सजाना है, कलश में भी डालना है, पार्थिजर को भी डालना है, इसलिए हिसाब से उसके हिसाब से मालाएं होनी चाहिए, बेलपत्री एज रिक्वायर्ड क्योंकि पार्थिजर अगर करना हो, ब्रेस अर्शप 20 रुपये, लाई शाली वाले 10 रुपये, मिल्क 1 लीटर, कर्ड 0.5 लीटर, आटा पर लड्डू कितना, 1400 लड्डू बनाने हैं उसके हिसाब से हमको 2.5 किलो से 3 किलो तक आटा होना चाहिए गेहूं का, शुगर फॉर लड्डू, घी फॉर लड्डू, मिल्क फॉर लड्डू, सिंगाड़ा आटा फॉर शक्कर पारा 3 kg, रिफाइन ऑयल 2 लीटर, टवलिया बिग 1, टवलिया स्मॉल 3, घी पात्र 1, सामग्री फॉर 9 ग्रे, पहले तो 9 ग्रे इसी में से निकलेगा, अगर 9 ग्रे आप किसी ने स्पेशल कराना होगा तो उसके लिए अलग चीज़ है, उसके लिए अलग सामान होना चाहिए, अगर वो घर में कोई करना चाहता हो। गागरी फॉर कलश 1 होने चाहिए, गिलास 4 होने चाहिए, थाली 10 होने चाहिए, परा 4 होने चाहिए, चलमची 6 होने चाहिए, बकेट 3 होने चाहिए, गड़वा 3 होने चाहिए, आसन फॉर गुरुजी, पीए इक्विपमेंट इफ अवेलेबल, लाइट लाइटिंग सिस्टम, मंडप डेकोरेटेड, हवन कुंड टू बी प्रिपेयर्ड 3x3 इग्नोपवित इफ रिक्वायर्ड, प्लीज सी इफ हवन इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड अंडर ओन बुद्धिमान डन इग्नोपवित
Usha is required. If Guruji is available, then he is himself responsible for these items. इन चीज़ों को देखकर मद्देनजर रखकर ये मैंने थोड़ा सा अपना योगदान दिया हुआ है। धन्यवाद। हमारा श्रीफल इसके साथ होने चाहिए, जो बेल के होते हैं कम से कम 15 होने चाहिए, और हवन सामग्री मिक्सड जो कंपाइन पैकेटों में होते हैं 1-2 किलो होने चाहिए यवतेल को मिलाने के लिए। धन्यवाद। इसके अलावा पानी वाली जटाधारी 5-6 होनी चाहिए, क्योंकि हर पूर्णा के ऊपर 1-1 जटाधारी चढ़ाना जरूरी है। ये भूल गया था इसमें लिखने के लिए, चेंज थोड़ा सा होना चाहिए आगे पीछे डालने के लिए। बाकी जो अगर गुरुजी का हिसाब किताब होगा तो उसके साथ नेगोशिएशन करके उसकी देखना का भी उसी के साथ फैसला करना पड़ना जरूरी है। शाम को कलश पूजा हो जाती है, कलश पूजा के बाद अग्निकुंड की पूजा होती है, अग्निकुंड के बाद अनहूम आजूम होता है, उसके बाद गणेश साकार होता है, उसके बाद नवग्रह होते हैं, उसके बाद सूर्य साकार होता है, विष्णु साकार होता है, उसके बाद महादेव साकार होता है, उसके बाद लास्ट में भगवती का देवी साकार होता है। उसके साथ साथ ही देवी साकार के साथ उसकी इंद्राखी करनी पड़ती है, तर्पण देना पड़ता है, और अगर हो सके तो माता का रानी की पुष्पार्चना करना बोलना नहीं। अगर खीर भवानी का प्राज्ञा का साकार करना होगा तो उसमें जरूरी खड़गमाल जरूरी करनी पड़ती है। धन्यवाद।